हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एसआर सर्विस सेंटर। सर्विस सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरजीत। आज हम आप लोगों को पैकेज एसी सिस्टम का है, इसमें सिंगल कंडेंसर फैन, सिंगल कंप्रेसर है, इसका वायरिंग डायग्राम हम बताने जा रहे हैं। अगर आपको ये सब के बारे में डायग्राम जानना चाहते हैं तो आप पूरा वीडियो देखिए। ये जो है पैकेज एसी है कैरियर कंपनी का, आप ये देख सकते हैं। इसका जो भी है थ्री फेज का कंप्रेसर है, थ्री फेज का इसका ब्लोअर मोटर है, सिंगल फेज कंडेंसर मोटर है। इस सब का जो भी हम डिटेल्स में आप लोग को पूरा वायरिंग डायग्राम जो भी एक एक पार्ट हम बताने वाले दिखाने वाले हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप पूरा वीडियो देखें। अगर आपको सबके बारे में मालूम है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। ये वीडियो जो है हम आपको नए टेक्नीशियन नए लोगों के लिए है। सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और इस बेल घंटी को भी साथ में दबा दे, क्लिक कर दे, जिससे हम कोई सा भी दूसरा वीडियो बनाए आपको सबसे पहले मिले और इसका लाभ उठा सके। ये हमारा पैकेज ऐसी है कैरियर का सिस्टम का, इसका हम वायरिंग डायग्राम आप लोग को बताने जा रहे हैं। ये देख सकते हैं हमारा नॉर्मल एक वायरिंग डायग्राम है। ये जो हमारा आ रहा है मेन फेस इनकमिंग हो रहा है, अब यहाँ देख सकते हैं आर वाई बी जो भी है, ये तीन वायर है, चार वायर इसमें दिख रहा है। इसमें आर रेड येलो ब्लू ब्लैक ग्रीन, ग्रीन जो हमारा ये ग्रीन वायर जो है हमारा ग्राउंड के लिए है, बॉडी अर्थ के लिए है। ब्लैक वायर जो हमारा न्यूट्रल है, बाकी ये तीनों हमारा फेस है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तीनों हमारा फेस आ गया है। ब्लू वायर जो हमारा इसमें ग्राउंड हो गया है अर्थिंग के लिए, और यहाँ पर देख सकते हैं ये ब्लैक वायर जो हमारा इसमें ग्लो जाता है न्यूट्रल के लिए जा रहा है। न्यूट्रल हमारा जो हम आप लोग को अच्छा दूसरा डायग्राम दिखा देंगे, वायरिंग डायग्राम दिखाने वाले हैं ये सब का। देखिए यहाँ पर जो सब इसका वायरिंग डायग्राम है, ये भी हम आप लोग को एक एक करके समझाने वाले हैं। पहले हम यहाँ से समझ लेते हैं, ये वायर जो हमारा फेस न्यूट्रल तीनों आ गया, यहाँ पर थ्री फेस जो है ये आ गया है। यहाँ से जो है थ्री फेस जो है ये कॉन्ट्रेक्टर को यहाँ पे एक पावर जाता है, डायरेक्ट फेस जाता है, दूसरा जो है यहाँ पे फेस जाता है, यानी दो फेस इसको आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दो हमारा फेस आ रहा है, ब्लैक वायर हो गया, ये दोनों दो फेस इस पर आ रहा है और एक फेस यहाँ पर आ रहा है। ये टू पोल का कॉन्ट्रेक्टर है, यहाँ से इस पर साइकिल होता है। यहाँ पर कंप्रेसर को आउट करने के लिए यहाँ से आप देख सकते हैं ये कंप्रेसर के लिए जा रहा है दो वायर, यहाँ पे कंप्रेसर के लिए दो वायर जा रहा है, और तीसरा वायर जो है यहाँ से इसका ये यहाँ से देख रहे हैं इनपुट से जा रहा है इसकी। ओके, तो इस तरह से इसका जो है कनेक्शन पूरा होता है। यहाँ से आप देख सकते हैं, हम आपको दिखा दें इसका कॉन्ट्रेक्टर का, यहाँ से अंदर जो ये वायर है, ये वायर जो आ रहा है, ये देखिए ये तीनों पॉइंट जो है हमारा कंप्रेसर को जा रहा है, डायरेक्ट कॉन्ट्रेक्टर के माध्यम जा रहा है, और एक यहाँ से दो वायर देख रहे हैं, यहाँ से घूम करके इसके नीचे से आता है कंप्रेसर को, ये तीन वायर पूरा होता है। उसके बाद हम बता दें आप लोगों को ब्लोअर के लिए, ये ब्लोअर मोटर क्या है, ये भी थ्री फेस का है। ये ब्लोअर मोटर जो है ये भी थ्री फेस के लिए है, यहाँ से ब्लोअर मोटर के लिए जा रहा है। तो ये देख सकते हैं एक नंबर दो नंबर हो गया है, और उसके बाद यहाँ से ब्लोअर के लिए जो है यहाँ से इसके कॉन्ट्रेक्टर से इनपुट से पावर यहाँ पर आता है, तीन वायर जो पूरा होता है। ये देख रहे हैं यहाँ पर तीन वायर, मैं आगे डायग्राम में वो भी पूरा डिटेल्स आप लोग क्लियर कर दूंगा, दिखा दूंगा। बाकी ये कॉन्ट्रेक्टर को ऑन करने के लिए ये जो है ट्रांसफार्मर से ग्राउंड है, ग्रे वायर है और ब्लैक वायर है, ग्रे वायर है ब्लैक वायर, ये जो दो है क्वाइल के लिए, कॉन्ट्रेक्टर का क्वाइल है। ये जो कॉन्ट्रेक्टर क्वाइल जो है हमारा ट्रांसफार्मर को आता है, ट्रांसफार्मर से जो है इसमें जो है 120 वोल्टेज 124 ये भी देख सकते हैं, इसमें आपको 240 वोल्टेज पर इस पर आता है, इसमें फेस और न्यूट्रल जाता है। और यहाँ से ये जो है हमारा 24 वोल्टेज आउट ओपन करता है, देख सकते हैं यहाँ पर लोड लिखा हुआ है, लोड जो है 24 वोल्टेज है, 75 VA का है, ये कॉमन सी कॉमन है, और ये जो है पावर है लाइन है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है कॉमन है, ये ग्रे वायर जो है कॉमन है, और ये रेड वायर जो है इसमें लाइन है। तो यहाँ से रेड वायर जो आता है हमारा, और ये ग्राउंड वायर है। यहाँ पे ये जो ग्रे वायर दिख रहा है ये हमारा जो है डायरेक्ट यहाँ से ग्राउंड कर दिया गया है, जिसमें आगे डायग्राम में हम बताएंगे आप लोग को। यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पर पावर आया है, और यहाँ से ये देख सकते हैं ग्राउंड कर दिया हुआ है, बॉडी के साथ यहाँ पर टच है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बॉडी के साथ यहाँ पर ये ग्राउंड वायर टच है, वो हम डायग्राम में आप लोग को समझा देंगे, दिखा देंगे इस तरह से अगर आप लोग को नहीं समझ में आएगा। उसके बाद यहाँ से ये रेड वायर की हम बात कर रहे थे, ये रेड वायर आ रहा है, ये हमारा स्विच के माध्यम से आ रहा है, यहाँ से एलपी स्विच है, स्विच के माध्यम से यहाँ से फिर निकल करके ये हमें यहाँ पर आता है पीसीबी में आता है। ये देख सकते हैं आर वाई जो है हमारा पीसीबी में आता है, और यहाँ से ये पीसीबी में से निकल करके हमारा
अंदर जो है कंट्रोल को जाता है, रेड वायर जाता है, हनीवेल थर्मोस्टेट जो भी है कंट्रोल डिवाइस है वहाँ पर जाता है, और वहाँ से जो है येलो वायर जो है हमारा रिटर्न आता है। देख सकते हैं येलो वायर जो हमारा रिटर्न आता है, ये दो येलो वायर है जो हमारा कॉन्ट्रेक्टर के लिए ऑन करता है, कंप्रेसर को ऑन करने के लिए पावर आता है। उसके बाद यहाँ से ये जो आ रहा है ब्लू और येलो, ये ब्लू येलो जो हमारा अंदर जो जा रहा है, ये हमारा जो डेड है अंदर जो वायर है, जो कनेक्टर है, कनेक्टर में डेड है, वहाँ से शॉर्ट होकर के वापस जो है ये हमारा एक ग्रे वायर में आता है, और ये यहाँ से ग्रे वायर जो है हमारा निकल करके आता है ये HPLP स्विच को जाता है। हम आप लोग को दिखा दें, ये देखिए यहाँ से देख सकते हैं ये हमारा जो वायर है कनेक्टिंग, ये ग्रे वायर है, और यहाँ से ब्लैक वायर जो है, ये ब्लैक वायर है HPLP का स्विच का है, इसमें जाता है HPLP स्विच में जाता है, और यहाँ से सीरीज में होकर के वापस रिटर्न जो है ये ब्लू वायर में आता है जो हमारा कॉन्ट्रेक्टर को ऑन करता है, पावर कॉन्ट्रेक्टर को ऑन करता है, और यहाँ से साथ में इसको भी ऑन करता है, दोनों वायर ऑन करता है। उसके बाद अच्छी उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं ये जो हमारा है कॉन्ट्रेक्टर कंडेंसर फैन के लिए है, और ये जो है हीटर के लिए है, ये हीटर इसका जो वायरिंग है हीटर के लिए जो वायर है, हीटर के लिए वायर यहाँ पर दिया हुआ डायरेक्ट दे दिया हुआ है, फेस वायर इसको या न्यूट्रल कोई सा भी हम डायरेक्ट दे देंगे। दूसरा हमारा जो देख सकते हैं ये है, ये कॉन्ट्रेक्टर के माध्यम से है, ये हमारा जो कंप्रेसर जो है, कंप्रेसर जो है स्टैंड बाई रहेगा, वर्क नहीं करेगा तो टाइम में हमारा ये हीटर ऑन रहेगा, NONC की तरफ से काम करता है ये। बाकी जब कंप्रेसर का पावर चालू होगा, कंप्रेसर ऑन होगा तो हीटर का पावर है डिस्कनेक्ट हो जाएगा। इसका कॉन्ट्रेक्टर जो हम अच्छी तरह से दूसरा वीडियो में हम लोग को समझा देंगे, बता देंगे, आप देख सकते हैं। उसके बाद हम क्लियर आप लोग करते हैं डायग्राम में आप लोग को इसमें क्या करते हैं। यहाँ से आपने देखा ये जो हमारा फील्ड वायर है, पावर वायर है, यहाँ से फील्ड का पावर वायर है, यहाँ पे ये 3 फेज का है, 1, 2, 3 आ रहा है आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आपने देखा ऊपर जो ब्लैक वायर था, सब तीनों ब्लैक वायर है, यहाँ ब्लैक वायर को हम समझा दिए आप लोग को। कॉन्ट्रेक्टर जो हमारा देख सकते हैं फर्स्ट जो है कंप्रेसर का कॉन्ट्रेक्टर है, इसमें 2 पोल का है, यहाँ से 2 पोल वायर जा रहा है आप देख सकते हैं। ये जो हमारा कंप्रेसर का कॉन्ट्रेक्टर है यहाँ से ये 2 पावर आ रहा है कंप्रेसर के कॉन्ट्रेक्टर के लिए। उसके बाद तीसरा पावर जो आता है यहाँ से 3 फेज, ये हमारा आता है ब्लोअर का जो है कॉन्ट्रेक्टर है उसको आता है, यहाँ पर पावर आ रहा है। लेकिन कंप्रेसर जो हमारा 3 फेज है वो 3 फेज कैसे मिला, यहाँ से कॉन्ट्रेक्टर 2 ही फेज है आप देख सकते हैं, 2 फेज का कॉन्ट्रेक्टर आपने देखा। लेकिन तीसरा पावर जो आ रहा है यहाँ से डायरेक्ट दूसरा कॉन्ट्रेक्टर में पावर आता है, यहाँ से डायरेक्ट आपने देखा था 1 फेज जो है डायरेक्ट ब्लोअर का कॉन्ट्रेक्टर है उसमें पावर जाता है, इन होता है, और यहाँ से डायरेक्ट जो है इनकमिंग से ही निकाल करके ये 3 वायर कंप्रेसर को हो जाता है, T1, T2, T3 ये देख रहे हैं, यहाँ से 1, 2, 3 ये 3 वायर हो गया हमारा कंप्रेसर के लिए, यहाँ पर देख सकते हैं कंप्रेसर लिखा हुआ है। उसके बाद ये जो ब्लोअर का है ये ब्लोअर के लिए आ रहा है, इसमें 3 फेज का है, इसको 3 फेज करने के लिए यहाँ से 1 फेज जो आपने देखा कॉन्ट्रेक्टर को डायरेक्ट आता है, दूसरा जो 2 फेज है इसके लिए यहाँ से जो दूसरा नंबर कॉन्ट्रेक्टर है, ये 2 नंबर का ऊपर जो कंप्रेसर का कॉन्ट्रेक्टर है, यहाँ से 1 पावर 13 नंबर का अब यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर पावर आता है, यहाँ पर भी 13 लिखा हुआ है, यहाँ पर भी 13 लिखा हुआ है, ये 13 नंबर का पावर इसको आता है, और उसके बाद 11 नंबर यहाँ पर है, 11 नंबर से पावर यहाँ से आ करके ये 11 नंबर पर यहाँ पर आता है, पॉइंट यहाँ पर आता है, जिससे ये जो हमारा 3 फेज हो जाता है, 1 फेज यहाँ से डायरेक्ट आ गया और 2 फेज जो है यहाँ से इसको मिल गया, जिससे हमारा 3 फेज का ये ब्लोअर मोटर जो है 3 फेज का है इसका सर्किट पूरा हो जाता है, ये वर्क करता है। बाकी इसका कॉन्ट्रेक्टर को ऑन करने के लिए इसका आगे हम बताने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये OFM लिखा है, आउटडोर फैन मोटर लिखा हुआ है, हम देख सकते हैं OFM आउटडोर फैन मोटर लिखा हुआ है। इसको स्टार्ट करने के लिए यहाँ से आप देख सकते हैं न्यूट्रल, ये जो सिंगल फेज का कॉन्ट्रेक्टर सिंगल फेज का फैन मोटर है, इसको ऑन करने के लिए यहाँ से आप देख सकते हैं ये वायर न्यूट्रल है, न्यूट्रल जो है यहाँ पर आ रहा है, यही न्यूट्रल जो ट्रांसफार्मर को जाता है आप देख सकते हैं, यहाँ से ये न्यूट्रल जो है हमारा आ रहा है, ये न्यूट्रल यहाँ से हमारा ट्रांसफार्मर को जाता है, और यहाँ से यही न्यूट्रल वायर जो है यहाँ पर आया, ये देखते हैं यहाँ पर आया, और यहाँ से आ गया हमारा कॉन्ट्रेक्टर जो छोटा कॉन्ट्रेक्टर है, एग्जाम्पल ये जो कॉन्ट्रेक्टर आप देख रहे हैं वो कॉन्ट्रेक्टर के लिए है, क्योंकि यहाँ पर कॉन्ट्रेक्टर पर आया, ये कॉन्ट्रेक्टर के माध्यम से पहले से ही यहाँ पर एक कैपेसिटर पर आ गया, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका कॉन्ट्रेक्टर, यहाँ पर देख सकते हैं कैपेसिटर पे आ गया, यहाँ से जो है यहाँ से ये न्यूट्रल वायर जो है हमारा डायरेक्ट
यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्रेसर का फैन कैपेसिटर है, ये जो देख सकते हैं कैपेसिटर है यहाँ पे आया है, ये कॉन्टेक्टर था फर्स्ट जो है आपने देखा, यहाँ से फेस वायर जो यहाँ पे कॉन्टेक्टर पर दिया, कॉन्टेक्टर के माध्यम से इसको पावर आ जाएगा आउटडोर फैन मोटर के लिए। और यहाँ पे जो ये न्यूट्रल वायर आ रहा है, न्यूट्रल वायर जो हमारा कैपेसिटर को लिए आ रहा है, ये देख सकते हैं कैपेसिटर C1 लिखा है, कैपेसिटर 1 के लिए आ रहा है। और यहाँ से ये जो हमारा रन के लिए हो गया और ये ब्राउन स्टार्ट के लिए हो गया, व्हाइट जो है रन, ब्राउन स्टार्ट, ब्लैक कॉमन हो गया। ये हमारा कंप्रेसर का कंडेंसर फैन मोटर है, इसका इस तरह से वर्क हो गया, सिंगल फेस पे है। इसको एग्जांपल आप देख सकते हैं, बता दें ये जो सिंगल फेस है, फेस वायर आया डायरेक्ट कॉमन हो गया कॉन्टेक्टर के माध्यम से, और यहाँ पर ये जो है कैपेसिटर रन मेन पावर आ गया, यहाँ से जो कैपेसिटर से रन गया और स्टार्ट गया, इस तरह से ये तीनों में पावर हमारा डायरेक्ट ऑन हो गया। उसके बाद हमारा ये कॉन्टेक्टर जो है, ये सब कॉन्टेक्टर हैं, ये तीनों कॉन्टेक्टर ऑन कैसे होते हैं इसको कंट्रोल हम बता दें, आपको समझा देते हैं। उसके लिए हम बता दें यहाँ पर ये हमारा ट्रांसफार्मर है, 24 वोल्टेज के लिए ट्रांसफार्मर है, ये देख सकते हैं यहाँ पर। इसको जो है एक ये न्यूट्रल आ रहा है, ये फेस वायर आ रहा है, यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पे 460 वोल्टेज के लिए 240 वोल्ट है, 200 वोल्टेज पे, तो हमारे यहाँ पर नॉर्मल जो है 240 वोल्टेज पे वर्क करेगा, 240 वोल्टेज पे दिया है, जिससे हमारा 24 वोल्टेज आउट पावर देगा। यहाँ से देख सकते हैं ये न्यूट्रल वायर आ गया, यहाँ पर आ गया है, और यहाँ पर जो फेस वायर आ रहा है, ये फेस वायर हम बता दें यहाँ से कॉन्टेक्टर 13 नंबर से कॉन्टेक्टर से यहाँ पर आ रहा है, सॉरी ये 11 नंबर के कॉन्टेक्टर से यहाँ पर ये आ रहा है। यहाँ से टोटल हमको इसको ट्रांसफार्मर को टोटल मिला के आपको बता दें, इसमें हमें 240 वोल्टेज चाहिए, टोटल 240 वोल्टेज आया इसमें न्यूट्रल फेस। और यहाँ से जो बता दें यहाँ पर ट्रांसफार्मर सी कॉमन लिखा हुआ है, एक ग्रीन येलो यानी कि अर्थ दे दिया है आपको, जो दिखाया था कॉन्टेक्टर पर दिखाया था हमने पहले, ये जो वायर है यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है, यहाँ पर ग्रे वायर और ये येलो ग्रीन, ये जो हमारा बॉडी को दे दिया हुआ है। ओके, यहाँ पर आपने देखा ये जो हमारा बॉडी को दे दिया हुआ है, उसके ब्राउन वायर जो है यहाँ पर कनेक्शन बोर्ड को जाता है, और वहाँ पर सभी को जो है कॉमन जो है डायरेक्ट पावर दे दिया हुआ है। आप देख सकते हैं जो भी उपकरण है, जो भी इसमें है कंट्रोल है, सबको यहाँ पर डायरेक्ट दे दिया हुआ है ब्राउन वायर। उसके बाद जो रेड वायर जाता है, ए नंबर जो है रेड वायर आता है, यहाँ पर देख सकते हैं इसमें जो लिमिट स्विच है LSM इसका। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लिखा हुआ है LSM लिमिट स्विच मैनुअल रिसेट यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये हमारा जो है LSM है, यहाँ पर देख सकते हैं LSM लिमिट स्विच है। उसके बाद रेड वाला आता है, यहाँ पर ये ब्रेकर आता है, 3.2 एम्पियर का ब्रेकर है, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ब्रेकर है, 3.2 एम्पियर का ब्रेकर है, यहाँ से हमारा कनेक्शन बोर्ड में जाता है आर वायर, यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर गया, यहाँ से जो है रेड वायर जो हमारा आपको बताते हैं यहाँ कंट्रोल में जाता है, ये हनीवेल थर्मोस्टेट कॉन्टेक्टर हो सकता है, कुछ भी कंट्रोल हो सकता है। यहाँ से जो है जी वायर आता है, ग्राउंड का आता है, ये हमारा ब्लोअर के लिए आता है, देख सकते हैं ये ब्लोअर को लिए ऑन होता है। IEF ब्लैक वायर जो आ रहा है यहाँ से, ये डायरेक्ट यहाँ पर आ रहा है, IFC इनडोर फैन कॉन्टेक्टर लिखा हुआ है यहाँ पर आता है, और एक कॉन्टेक्टर दूसरा है कनेक्शन के लिए है, एक्स्ट्रा है दिया हुआ। उसके बाद यहाँ पर Y1 Y2 देख रहे हैं, इसका प्रॉब्लम में नहीं है, हमारा रेड वायर आया, Y1 Y2 आता है जो हमारा कंप्रेसर को ऑन करता है, जो हमने देखा था ये वायर हमारा पे यहाँ पर आ जाता है वापस Y1 Y2, यहाँ पर देख सकते हैं कॉन्टेक्टर में आ गया, यहाँ पर वापस ये आता है हमारा येलो ब्लू, यहाँ पर आप देख सकते हैं येलो कलर हो गया है और ब्लू कलर हो गया है, येलो ब्लू यहाँ पर आया, और ये येलो ब्लू जो है यहाँ से देख सकते हैं येलो कलर जो है यहाँ पर 9 नंबर पर आ रहा है, ये डेड है, इसके आगे कुछ नहीं है। उसके बाद ब्लू वायर यहाँ पर आ रहा है, ग्रे वायर हो जाता है, यहाँ 5 नंबर पर है ग्रे वायर, यहाँ से ग्रे वायर जो होता है हमारा HP-LP स्विच के माध्यम से, आप देख सकते हैं HP-LP स्विच है, यहाँ से माध्यम से ये हमारा कॉन्टेक्टर 1 को आता है, जो क्वाइल पर वर्क करता है, पहले से ही कॉन्टेक्टर को ब्राउन वायर दिया हुआ है, क्वाइल के लिए दिया हुआ है, और यहाँ से ये आ गया, और यहाँ पर OFC लिखा हुआ है, आउटडोर फैन कॉन्टेक्टर लिखा हुआ है यहाँ पे, उसके लिए है ब्राउन का OFC का, आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है OFC आउटडोर फैन कॉन्टेक्टर, ये देख सकते हैं जो फैन का कॉन्टेक्टर है उसके लिए है, यहाँ पे OFC फैन कॉन्टेक्टर के लिए है।
और यहाँ पे ये कंप्रेसर कॉन्टेक्टर के लिए है। यहाँ से ब्राउन वायर डायरेक्ट दिया हुआ है कॉइल को, और यहाँ से ब्लू वायर और ग्रे वायर आ गया, जिससे कॉन्टेक्टर वर्क हो जाता है। इस तरह से पूरा सर्किट डायग्राम जो है, इस तरह से पूरा सर्किट डायग्राम वर्क करता है, कंप्लीट होता है।